चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया था, रिलेशंस, है ना। तो रिलेशंस में पढ़ते पढ़ते हम कहाँ तक आए थे? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े थे, है ना। उसके बाद हम लोगों ने फिर इंटू रिलेशन क्या होता है, ऑन टू रिलेशन क्या होता है, वो चीज पढ़ी। इंटू रिलेशन और ऑन टू रिलेशन में क्या फर्क है? Yes, अगर तुम्हारे रेंज एंड जो ये है अपना कोडोमेन अगर इक्वल है तो इट इज व्हाट? ऑन टू रिलेशन। अगर रेंज एंड कोडोमेन इक्वल नहीं है तो इन दैट केस इट इज व्हाट? इंटू रिलेशन। बट ऑलवेज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। नेवर फॉरगेट दिस थिंग, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो if it is proper subset then it is into function, if it is improper subset then it is what? onto function। okay, to ye sab cheeze apan ne dekhi thi। ab maine bola tha ki thoda sa ek cheez maine ek statement maine kal kiya tha by the way which was agar tum cartesian product ko dekhte ho to cartesian product ka kuch part kya hota hai? apna relation hota hai। और रिलेशन का कुछ पार्ट क्या होता है? अपना फंक्शन होता है। ओके, तो फंक्शन एंड रिलेशन में ऐसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब तुम इसको रिलेशन बोलते हो, वो पर्टिकुलर चीज रिलेशन होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता, ऐसा कभी कभी हो जाता है। ठीक है, सो हमें ज्यादा रिलेशन पे फोकस वैसे भी करना नहीं है, हमें फंक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। तो यस, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन अपन ने देखे थे, तो अब चलते हैं फंक्शन की तरफ, न्यू डेफिनेशन। फंक्शंस में क्या है? प्री इमेजेस जो है फंक्शन, मतलब प्री इमेजेस, इमेजेस सबको पता है ना। हम जो यहाँ पे सेट लेते हैं, यहाँ पे एक सेट लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे मैपिंग करते हैं, तो ये क्या होती है? तुम्हारी प्री इमेजेस होती है ना। और ये क्या होती है? तुम्हारी इमेजेस होती है। ये चीज आपको, अपन को पता है। तो फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर प्री इमेजेस को ज्यादा इमेजेस है, प्री इमेजेस को ज्यादा इमेजेस है, इसका मतलब जैसे कि सपोज मैंने बोला एक्स इज रिलेटेड टू एक्स स्क्वायर रूट वाई, ऐसा फंक्शन है। ओके, तो ए बी फोर, फोर का स्क्वायर रूट प्लस टू हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, नाइन प्लस थ्री हो सकता है, माइनस थ्री हो सकता है। क्या समझ में आया यहाँ पे? प्री इमेजेस को क्या है? मल्टीपल इमेजेस है। प्री इमेज को क्या है? मल्टीपल इमेजेस। तो अगर प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस है तो उस पर्टिकुलर रिलेशन को अपन फंक्शन नहीं बोलते हैं। ओके, सो इफ प्री इमेजेस हैव मल्टीपल इमेजेस then the relation cannot be called as function। मतलब सभी relations functions होंगे जरूरी नहीं है, सभी के सभी relations functions होंगे जरूरी नहीं है। so pre-images, if pre-images have multiple images then you cannot say that the relation is what? function। okay, तो इसका मतलब अभी अपन जब चेक करने जाएंगे whether the relation is function or not, you should keep in mind that pre-images should not have multiple images। तो एक चीज यहाँ पे दिमाग में रखो, इस केस में, इन दिस केस अपने जो टाइप्स है रिलेशंस के, वन वन रिलेशन, वन मेनी रिलेशन, मेनी वन रिलेशन और मेनी मेनी रिलेशन, इनमें से कौन सा टाइप है जो फंक्शन हो सकता है? ऑब्वियसली वन मेनी नहीं हो सकता। क्यों? वन मेनी का मतलब ही है कि वन प्री इमेज विल हैव मेनी इमेजेस। मेनी मेनी भी नहीं हो सकता क्योंकि मेनी मेनी तो सबका कॉम्बिनेशन है ना। तो सिर्फ वन वन रिलेशन एंड मेनी वन रिलेशन कैन बी योर फंक्शंस। ओके, सो देयरफॉर वन वन रिलेशन
can be functions. Getting my point what I'm saying? Yes, what I said. I said that functions की definition मैंने क्या बताई? Functions की definition में मैंने बताया कि एक pre-image को एक से ज्यादा images नहीं हो सकते. Okay? एक pre-image को एक से ज्यादा images नहीं हो सकते. अगर एक pre-image को एक से ज्यादा images है तो वो function नहीं होगा. Relation में allowed है, functions में allowed नहीं है. Okay? ऐसा कौन सा relation है जो function हो सकता है? तो one one and many one. क्यों one one and many one? क्योंकि अगर तुम one many की बात करोगे तो one pre-image will have many images and many pre-images will have many images. तो ये जो है ये पूरा अपना रूल जो है वो contradict करता है. Okay, so one one and many one, these are the only two types of relations which will satisfy the given condition and therefore they can be called as what? Functions. Okay, so pre-images should not have multiple images. Okay, so in that case it cannot be called as your function. अभी अलग अलग वे से function जो है वो represent किया जाता है. Yes, यहां तक किसी को कोई doubt है? Please बताओ मुझे. Function का basic definition समझ में आया? क्या होता है function? Why many one? See, many one में क्या होगा केजल? देखो, suppose यहाँ पे 2, 3, 4 है और यहाँ पे A, B, C, D है. ठीक है, तो many one में क्या होगा? Many pre-images can have one image. ध्यान दो, single pre-image cannot have many images for function. For relation to be function, for relation to be function, what is the first point? One pre-image, rule hai ye, one pre-image cannot have many images, but many pre-images can have single image. But many pre-images can have single image. Okay, so क्या बोला मैंने? Yes, फंक्शन को रिलेशन कब बोलते हैं? सॉरी, रिलेशन को फंक्शन कब बोलते हैं? जब एक प्री इमेज के मेनी इमेजेस ना हो एंड मेनी प्री इमेजेस के एक प्री इमेज चलता है. आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज दिस इज द केस, ऑलवेज दिस इज द केस, आई एम नॉट सेइंग दिस. देयर कैन बी सच केस ऑल्सो, 2, 3, 4 ए बी सी डी, दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल. सो दिस इज अलाउड. एक प्री इमेज को मेनी इमेजेस नहीं हो सकते, लेकिन मेनी प्री इमेजेस को एक इमेज हो सकता है. अब समझ में आया केजल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दिस थिंग एंड दिस थिंग? गॉट इट? मेनी प्री इमेजेस कैन हैव सिंगल इमेज, बट एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकते. ओके, चलो अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन. अब फंक्शन अलग अलग वे में रिप्रेजेंट किया जाता है. सबसे पहला वे जो है रिप्रेजेंट करने का, मैपिंग के हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है? ये क्या है? ए टू बी मैपिंग हुआ है. ये क्या है? ये सपोज ए है, ये बी है, ये क्या हुआ है? ए टू बी मैपिंग हुआ है. तो फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन एफ इज मैप्ड फ्रॉम ए टू बी, ऐसा भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कभी कभी. ठीक है, दूसरा फॉर्मेट जो है उसको ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. कैसे? देखो, 2, A, 3, A, एक चीज यहां पे और एक लिख देती हूं, 4, C,
ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्मेट में भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। सो थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये भी, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब ज्यादा नहीं पूछते, रेयरली पूछते हैं, हार्डली एक दो बार पूछा होगा अब तक। सो बेस्ड ऑन फॉर्मूला जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर, ओके। y को अपन लिखते हैं f of x इज इक्वल टू थ्री रेज टू x, है ना। f of x इज इक्वल टू व्हाट, थ्री रेज टू x, f of x इज इक्वल टू व्हाट, x स्क्वेर। सो इस तरीके से अपन फंक्शंस को रिप्रेजेंट किए कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्यूला, ओके। तो देखो जरा ये फंक्शन की तरफ, मैं थोड़ा सा अभी एक मैपिंग की तरफ जाती हूँ। सपोज x का वैल्यू है लेट्स से a एंड b, ओके। x का वैल्यू है 1 -1 2 -2 1 2 3 4, क्या समझ में आ रहा है। x का वैल्यू अगर प्लस वन होगा तो ये भी वन हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस वन होगा तो ये भी वन हो जाएगा, x का वैल्यू प्लस टू होगा तो ये फोर हो जाएगा, x का वैल्यू माइनस टू होगा तो ये माइनस प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ फिर, ये मेनी वन, दिस इज व्हाट, मेनी वन। इनटू होगा या ऑन टू होगा कौन बताएगा मुझे, विच इज दिस इज इनटू और ऑन टू, इनटू और ऑन टू बोलो। वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट। रेंज क्या है इसका, रेंज क्या है इसका, 1,4। एंड कोडोमेन क्या है उसका, केजल गलती कर दी तुमने, कोडोमेन क्या है, जो भी दिया हुआ है मेरे पास भी वो। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और आई वुड से रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अगर रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है तो अपन इसको क्या बोलेंगे फिर, इनटू बोलेंगे। सो दिस इज मेनी वन इनटू, दिस इज व्हाट, मेनी वन इनटू, ओके, इट इज व्हाट, मेनी वन इनटू। अब ऐसी कुछ वैल्यूज यहाँ पे टेस्ट करके तुम लोग मुझे इस फंक्शन का नेचर बताओ, मतलब ये मेनी वन है, वन वन है, वन मेनी है, क्या है, इनटू है, ऑन टू है, क्या है, वो तुम लोगों को इसके बारे में मुझे बताना है। अच्छा ओके ठीक है, चलो मैं कुछ तुम लोगों को वैल्यूज दे देते हूँ। 1, 2, 3, 4, 1/3, 3, 9, 12। चलो कोशिश करो, डाउट सर, वन वन रिलेशन एंड इनटू रिलेशन, वेरी गुड, परफेक्ट आयुषा, करेक्ट आयुषा, एकदम फॉर्म में कुछ दे सर, हाँ क्या बात है, यस क्या हो जाएगा फिर देखो, अगर मैंने x के, ये a है और ये b है, वन रख के देखो यहाँ पे, वन थ्री रेज टू वन क्या होता है, थ्री होता है, टू रख के देखो यहाँ पे, थ्री रेज टू टू क्या होता है, नाइन होता है, थ्री रख के देखो यहाँ पे कुछ नहीं, ओके, फोर रख के देखो नहीं आ रहा है भाई साहब, तो ये वन वन तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन वन तो है ना, बट यस इनटू है, नॉट ऑन टू। अगर ये 12 नहीं होता तो ये ऑन टू बन जाता था, ये 12 की वजह से वो क्या हो गया है, इनटू हो गया है, ओके। ये 12 नहीं होता तो ये क्या हो जाता था, ऑन टू हो जाता था, लेकिन ये 12 की वजह से ये क्या हो गया है, इनटू हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट, यस समझ में आ रही बात। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था, दिस वाज नॉट आर आई मीन पार्ट ऑफ द टॉपिक, बट मुझे बस ये बताना था, ठीक है,
अच्छा आयुष, तुम्हारा मैथ्स खराब था क्या पहले? ये ऐसे मतलब तुमने ऐसे बोला इस वजह से मैं बोल रही हूँ, पहले खराब था क्या मैथ्स तुम्हारा? ओ तुम्हें तुम्हें मैथ्स नहीं था? इनफैक्ट आई वाज गोइंग टू आस्क कि तुम्हें मैथ्स था क्या पहले 11th 12th में? ओके दैट्स सो नाइस। ये मतलब मैंने ना दो दो साल से अभी बैच जो 2-3 साल, पहला बैच तो रिपीटर वाला बैच था और दूसरे जो दो बैचेस है वो रेगुलर वाले थे, और दोनों बैचेस में ना ऐसे ही लोगों ने मैथ्स में टॉप किया है जो लोगों को मैथ्स नहीं था 11th 12th में, मतलब नॉन मैथ स्टूडेंट्स ने मैथ्स में टॉप किया है। 2 साल से यही देखते आई हूँ मैं। और पहले साल में तो सीपीटी रिपीटर की बैच लेती थी मैं, तो उसमें तो यार मतलब सभी नॉन मैथ्स ही थे, ऑलमोस्ट 90% क्राउड वाज नॉन मैथ्स। तो उस वहां पे भी मतलब नॉन मैथ्स वालों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो यार ठीक है देखते हैं फिर इस बार भी। आयुषा ऐसा नहीं कि बाकी लोगों ने पढ़ना नहीं है। ओके चलो गुड। सो फॉर्मूला मतलब तीन वेज देखे अपन ने फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के, ए टू बी मैपिंग वाइज, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर वाइज, और अब है फॉर्मूला वाइज। ओके सो फॉर्मूला से भी तुम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ फोर्थ वन इज बाय डायग्राम और बाय ग्राफ आई वुड से। ओके फोर्थ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज व्हाट? ग्राफ। सो ग्राफिकल वे से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफिकल वे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो जैसे कि मान के चलो अभी क्वेश्चन, अभी तुम्हारे नोट्स में तो सब कुछ दिया ही है, जैसे कि ये वाला, ये क्या हो गया, ये FX हो गया और ये X हो गया, एंड दिस इज व्हाट FX इज इक्वल टू X का ग्राफ, ऐसा कुछ। ओके तो ग्राफिकली भी फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके तो अब हम जनरली फर्स्ट मेथड जो है वो जनरली काम नहीं आता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। यूज नहीं है एज इन वो डायरेक्टली क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया रहेगा, ऐसे कुछ आंसर कैलकुलेट करने में उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है तो चलो फिर कुछ मैंने सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से तुम्हारा फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो एफ सच दैट ए कॉमा वन बी कॉमा टू सी कॉमा थ्री। ओके तो बताओ फिर ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, कौन बताएगा मुझे? जरा देखो ऑब्जर्व करो एंड तुम लोग बताओ मुझे फंक्शन होगा या नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए या ना होने के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास? सिर्फ कि एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस नहीं होने चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन। एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस नहीं होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे तो सब सही दिखाई दे रहा है। ए का इमेज कौन सा है? सिर्फ वन है, और कोई इमेज है क्या ए का? नहीं। बी का इमेज सिर्फ टू है, और कोई इमेज है क्या बी का? नहीं। सी का इमेज सिर्फ थ्री है, और कोई इमेज है क्या सी का? नहीं। दैट मींस व्हाट? दैट मींस ये जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन रिप्रेजेंट करता है ना? देयरफॉर व्हाट कैन आई से, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए फंक्शन। ओके सो इट इज ए फंक्शन। बता पाओगे टाइप कौन सा है? बता पाओगे टाइप कौन सा है? यस इंटू ऑन टू तो नहीं बता सकते अपन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, गिवन सेट नहीं है, लेकिन वन वन मेनी वन बता सकते हो। वन वन फंक्शन है, करेक्ट। इट इज व्हाट? वन वन। लड़कियां एकदम यार एक्टिव रहती है, लड़के नहीं एक्टिव रहते, लड़के बात ही नहीं करते बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है, तुरंत संतोष ने आंसर दे दिया। ये कौन है अपना? ये श्रीनिवास। आज उमेर नहीं है, आज बस उमेर ही एबसेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है। ओके नेक्स्ट जी वन वन
B1, C2, बताओ। बताओ फंक्शन है नहीं है? फंक्शन है या नहीं है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नहीं है। चेक करते हैं अभी क्या कंडीशन है अपना। कंडीशन क्या है? एक प्री इमेज के मल्टीपल फंक्शन। हाँ आयुषा अभी करेक्ट किया तुमने आंसर, वेरी गुड। नहीं तो सब लोग नो नो बोल रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन है यार कैसे? डेफिनेशन क्या है? एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस नहीं होने चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं फिर, ये प्री इमेज है, इसका इमेज क्या है? वन। इसके अलावा कोई और इमेज है क्या? वन का नहीं। बी में बी का इमेज क्या है? वन। बी को इस वन के अलावा कोई और इमेजेस दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं। मतलब यहां पे सी को भी तुम लोगों ने चेक किया तो सी को सिर्फ टू, ये एक ही इमेज है, और कोई इमेज है क्या उसका? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन है, अभी ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग ऐसे बना सकते हो ये गोले। वन बी सी वन, ये फिर से वन लिखने की जरूरत नहीं है। टू देखो, वन क्या हो गया? ये एक एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस है क्या? नहीं। एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस है क्या? नहीं। एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस है क्या? नहीं। हाँ ये जरूर है, मेनी प्री इमेजेस आर हैविंग वन इमेज, एक से ज्यादा प्री इमेज को एक इमेज है, लेकिन ऐसे एरर्स जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे ना, मतलब एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? फंक्शन है, एंड दैट टू मेनी वन। इट इज ए फंक्शन, एंड व्हाट इज दैट? मेनी वन। चलो बताओ जल्दी, कुछ डाउट है क्या इसमें? फास्ट बताओ जल्दी, कुछ डाउट है क्या इसमें? बताओ जल्दी। अच्छा शशांक भी अटेंड नहीं कर रहा है क्या? यस, आज शशांक भी अटेंड नहीं कर रहा है। चलो बोलो समझ में आया या नहीं आया? अंडरस्टूड और नॉट? सेकेंड क्वेश्चन। केजल, केजल बहुत टेंशन में रहती। केजल समझ में आया क्या? नहीं यस बोलो बोलो जल्दी बोलो। गुड, जाएं फिर आगे? पक्का? ओके थर्ड वन। वन कॉमा वन, वन कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, वन कॉमा वन, वन कॉमा टू। चलो बोलो। वेरी गुड, सही दिया आंसर लोगों ने। अच्छा कल के क्वेश्चन के बारे में बात कर रही है क्या केजल? कल जो अपन बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर रही है क्या? कल जिसके रिलेटेड डिस्कशन हो रहा था। ओके देखती हूँ मैं बाद में, ठीक है? यस। सो इसको, इस प्री इमेज के इमेजेस कौन से हैं? वन। और इस वन को और एक इमेज है,
इस वन के बारे में बात करेंगे तो इसको दो दो इमेजेस है, कौन से? ये भी एक उसका इमेज है, ये भी उसका इमेज है, तो नहीं चलेगा ना बॉस। एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस नहीं चलेंगे, है ना? तो ये प्री इमेज है, ये भी वही प्री इमेज है, उसको उसको यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो उसका इमेज वन है और यहाँ पे तुम लोग बोल रहे हो उसका इमेज टू है। तो वन प्री इमेज इज हैविंग व्हाट? मल्टीपल इमेजेस। सो दिस इज व्हाट? वन मेनी, सो नॉट अलाउड, है ना? सो नॉट ए फंक्शन, ओके, वन मेनी। फोर्थ आर ए कॉमा वन ए कॉमा टू, क्या बात है, फटाफट आंसर सब रहे मेरे पास। चलो बोलो लड़कों में से, जल्दी जल्दी कोई तो भी बोलो आंसर्स। लड़के पीछे पड़ने लगे हैं, लड़कों को पबजी वगैरह सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, कुछ नई चीज मार्केट में आई तो उसमें ज्यादा बिजी हो जाते फिर। यस, नॉट ए फंक्शन, ओके। तो इस प्री इमेज की बात करेंगे तो उसको उसका इमेज वन भी है और इसका इमेज टू भी है ना? There are two images, एक दो दो images है, एक image one है, दूसरा image two है, तो this is what? One many, this is what? One many, तो one many function होगा या नहीं होगा? No, not a function, okay. Fifth one, R is ए कॉमा वन बी कॉमा वन सी कॉमा टू, बोलो। इट इज ए फंक्शन, यस। एक प्री इमेज का एक ही इमेज है, एक प्री इमेज का एक ही इमेज है, एक प्री इमेज का एक ही इमेज है। यहां पे क्या था? एक प्री इमेज का वन भी इमेज था और टू भी इमेज था, यहाँ पे वैसा नहीं है। ए का अगर तुम इमेज देखोगे तो वन ही है, बी का इमेज देखोगे तो वन ही है, सी का इमेज देखोगे तो टू। सो इट इज अ फंक्शन, इट इज व्हाट? मेनी वन। ओके, इट इज अ फंक्शन। सिक्स्थ वन, चलो अब थोड़ा अलग वे में दिया है, फॉर्मूला वे में दिया है उन्होंने फंक्शन को। R of x comma y such that y is equal to x square. A is x such that it belongs to I and x is between minus 3 to 3. B is equal to y such that y belongs to w, y is less than 9. चलो बताओ फिर जल्दी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। नोट्स कितने लोगों को मिलना बाकी है? अभी सबको मिले या नहीं मिले? नोट्स में अभी करेक्शंस हो रही है। चलो बोलो जल्दी, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इट इज अ फंक्शन, ओके। वाई
y is equal to x square. अभी देखो एक काम करते हैं अपन ना इसको मैपिंग के तरीके से करते हैं, ठीक है। मैपिंग के तरीके से क्या होगा ना, थोड़ा सा हमें एनालाइज करने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। दैट इज मैपिंग। सो मैपिंग के तरीके से मतलब वो ओवल्स बना के, ठीक है। तो मैंने ये ऐसा बनाया सर्कल, फिर मैंने ये ऐसा सर्कल बनाया, ओके। तो क्या है फिर, माइनस थ्री टू थ्री है ना, तो माइनस थ्री एंड थ्री को नहीं लेना है हमें, माइनस थ्री एंड थ्री को नहीं लेना है। सो माइनस टू वन, सॉरी माइनस वन, उसके बाद जीरो, वन टू थ्री, ये इंक्लूडेड नहीं है ना, लेस देन ग्रेटर देन है, इंक्लूडेड नहीं है वो, ओके। सो लेस देन नाइन मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अरे बापरे बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके। तो अभी अगर तुम देखोगे तो क्या समझ में आएगा, देखो फंक्शन क्या है अपना, y is equal to x square, है ना। तो x का square करो, ये x है, ये y है, है ना। b set में y है, a set में x है, okay? हाँ, three should not be included, yes. So minus two का square four, minus one का square one, जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर। क्या समझ में आया, कंडीशन क्या है, एक प्री इमेज को मेनी इमेजेस नहीं होने चाहिए। तो ये माइनस टू को सिर्फ फोर ही इमेज है, और कोई इमेज है क्या उसका, नहीं। इस माइनस वन का वन ही इमेज है, और कोई इमेज है क्या उसका, नहीं। जीरो का एक ही इमेज है, और कोई इमेज है क्या उसका, नहीं। सिमिलरली वन का एक ही इमेज है, इसके अलावा और कोई इमेज है क्या, नहीं। टू का एक ही इमेज है, इसके अलावा और कोई इमेज है क्या, नहीं। मतलब मेनी प्री इमेज, सॉरी प्री इमेजेस आर नॉट हैविंग मेनी इमेजेस, ओके, एंड देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। गॉट इट, इट इज व्हाट एक्चुअली मेनी वन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, फॉर द सेम डोमेन एंड कोडोमेन मेंशन्ड अबव, इफ रिलेशन इज डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या होगा अभी ये क्वेश्चन नंबर सेवन का फंक्शन, आई मीन क्वेश्चन नंबर सेवन में फंक्शन होगा या नहीं होगा। बोलो not a function, there won't be any relation, there is a relation, there is a relation, कौन सा relation है, x greater than y ना, वो relation है ना। है ना, चलो देखते हैं फिर अभी
इसको उठाते हैं। ओके तो क्या रिलेशन चाहिए अपन को? एक्स शुड बी ग्रेटर देन वाई। तो ऐसा कहां पे सेटिस्फाई होता है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई मतलब वाई जो है वो एक्स से छोटा होना चाहिए। वाई शुड बी लेस देन एक्स। ओके तो माइनस टू से छोटा कौन है? जीरो है क्या? नहीं, वन है क्या? नहीं, इसमें से कोई भी नहीं है। माइनस वन से छोटा कौन है? कोई भी नहीं। जीरो से छोटा कौन है? कोई भी नहीं। वन से छोटा जरूर है जीरो, है ना। टू से छोटा कौन है? जीरो भी है और वन भी है। प्रॉब्लम हो गई ना यहाँ पे। टू के मैनी इमेजेस आ गए पिक्चर में, टू के मैनी इमेजेस आ गए पिक्चर में, तो नहीं चलता ऐसा। एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकते हैं, है ना। एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकते। इट इज नॉट ए फंक्शन इन दिस केस, है ना। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट। R is equal to x comma y such that 3x plus y is equal to 0, where a is equal to x such that x belongs to natural number 1 less than x less than 5, and b is equal to y such that y is equal to 3n, n belongs to integer and n is minus 1 to minus 5. चलो बताओ जल्दी। बताओ जल्दी जल्दी। फंक्शन है या नहीं है? वन वन रिलेशन, वेरी गुड, परफेक्ट, क्या बात है, नाइस। ओके चलो पहले ए एंड बी बनाते हैं अपन। ए एंड बी के सर्कल्स बनाते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए में क्या क्या है? वन एंड वन टू फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। बी में क्या क्या है? माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, है ना। तो फिर थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे सेटिस्फाई होता है देखते हैं। थ्री इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वाई कब होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जब वाई होगा माइनस थ्री। तो जब x1 होगा y कितना होगा? माइनस थ्री। जब x1 होगा तो y कितना होगा? माइनस थ्री। इसको तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो। कैसे? x इज इक्वल टू माइनस वाई बाई थ्री, और यू कैन से दैट y इज इक्वल टू माइनस थ्री x, ऐसा भी सोच सकते हो। तो x इज इक्वल टू वन, y इज माइनस थ्री। x इज इक्वल टू टू, y इज माइनस सिक्स, कहीं पे भी नहीं है। x इज इक्वल टू थ्री, y इज माइनस नाइन, कहीं पे भी नहीं है। x इज इक्वल टू फोर, y इज माइनस ट्वेल्व, कहीं पे भी नहीं है। x इज इक्वल टू फाइव, y इज माइनस फिफ्टीन, कहीं पे भी नहीं है। एक ही तो पैर है उसका, है ना, एक ही पैर है। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, व्हाट इट इज, व्हाट वन वन।
एंड देयरफॉर इट इज अ फंक्शन. अब मुझे सोच के बताओ, नाइन्थ क्वेश्चन, फंक्शन है या नहीं है? एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू थ्री, फंक्शन है या नहीं है? मतलब तुमने आंसर दिया अभी जस्ट. क्या बात है यार, बेस्ट 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 बेस्ट, बढ़िया बढ़िया, लाइक्ड इट, ग्रेट. करेक्ट, पलक ने भी और आयुषा ने भी, दोनों ने बहुत सही आंसर दिया है. बाकी लोग ट्राई करना चाहते हो बोलो जल्दी जल्दी. आया किसी का आंसर और इन दोनों के अलावा, और किसी का आंसर आया? बोलो बोलो फटाक से. ओके देखो, अभी x के वैल्यूज है और y के वैल्यूज है, उन्होंने कंपल्सरीली क्या बोला है, y 3 ही है. चाहे तुम x कुछ भी लाओ, x कहीं से भी कुछ भी x लाओ, y इज गोइंग टू बी 3 ओनली. y इज गोइंग टू बी 3 ओनली, चाहे तुम x कहीं से भी लाओ, कुछ भी ले लो, x 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, y तो हमेशा 3 होने वाला है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहे तुम x इक्वल टू 1 ले लो y 3 होगा, चाहे तुम x इक्वल टू -1 ले लो y 3 होगा, चाहे तुम x इक्वल टू 0 ले लो y 3 होगा, चाहे तुम x इक्वल टू 100 ले लो y 3 ही होने वाला है. तो क्या हो गया फिर, ये मेनी वन, मेनी वन इज ए फंक्शन. अंडरस्टूड और नॉट केजल? बाकी लोग केजल बार डाउट, बार बार डाउट पूछते, इसलिए मेरे नाम, मेरे मुंह में उसी का नाम आता है केजल. समझ में आ गया? यस अंडरस्टूड ना पक्का सबको? y इज इक्वल टू 3 उन्होंने कंपल्सरीली बोला है, तो यस उस पर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा. x का कोई भी वैल्यू आने दो, हमेशा y 3 ही होने वाला है. ओके नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, y सच दैट x is equal to 4. बोलो. चलो अब इसके बेसिस पे, ऊपर वाले क्वेश्चन के बेसिस पे आंसर दे दो यार. चलो सो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्या है, x is equal to 4 ना. तो ये x is equal to 4 है, ये माइनस वन, सपोज मतलब चाहे y कुछ भी हो, x तो हमेशा 4 ही रहने वाला है. चाहे y कुछ भी हो, x तो हमेशा क्या होने वाला है, 4 ही रहने वाला है. ठीक है, तो फिर यस 4 के कितने भी इमेजेस हो सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस आर पॉसिबल. दैट मींस व्हाट, दैट मींस व्हाट, यस इट इज वन मेनी. तो वन मेनी रिलेशन जो है वो फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. वन मेनी रिलेशन के नॉट बी फंक्शन, बिकॉज एक प्री इमेजेस, एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, है ना. तो इट के नॉट बी ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. बोलो बोलो जल्दी बोलो, फंक्शन है या नहीं है?
ओके ओके वन वन रिलेशन आएगा ये डेफिनेटली इट वुड बी वन वन रिलेशन है ना. तो x का वैल्यू ले लो y का वैल्यू ले लो 1 2 कुछ तो भी लिया 4 मतलब जो भी है यहाँ पे बड़ा सेट लेना पड़ेगा. चलो इन शॉर्ट बता देते x is equal to 1 है तो y क्या आएगा 6 आएगा. x is equal to minus 1 है तो y क्या आएगा 8 आएगा. x is equal to 2 है तो y क्या आएगा 5 आएगा and so on है ना. तो मतलब x and y के यूनिक वैल्यूज हम लोगों को मिल रहे हैं. तो if I'm getting unique values in that case I can say that what कि यहाँ पे 1 1 function है. It is what 1 1 relation and therefore it is a function. Okay so ये था अपना पूरा एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड पेयर्स एंड ऑल. ओके ऑर्डर्ड पेयर्स के बेसिस पे अपन फंक्शन है नहीं है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज अपन ने देख ली है. चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अभी अगर फंक्शंस ग्राफ के फॉर्मेट में होंगे तो कैसे करना है. इफ फंक्शंस आर इन द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ. ओके तो देखो ध्यान दो जरा अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में कैसे आइडेंटिफाई करना है ये ग्राफ फंक्शन का है या फंक्शन का नहीं है. ओके तुम्हारे नोट्स में मैंने कुछ लाइंस लिख के दी हुई है. देखो इफ वर्टिकल लाइन इज फाउंड तो इट इज नॉट ए फंक्शन. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मिली तो इट इज ए फंक्शन. अगर क्रॉस लाइन मिली वर्टिकल लाइन मिली तो इट इज बेसिकली वन मेनी. अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मिली तो ये मेनी वन हो जाएगा. बताती हूं मैं कैसे. और क्रॉस लाइन मिली तो ऑब्वियसली इट इज ए फंक्शन एंड इट इज एक्चुअली वन वन. ओके तो फिर देखते हैं फिर अब. ओके चेक इट आउट. चलो पहला ग्राफ कंसीडर करते हैं अपन. एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या कैसे वन वन क्यों है मेनी वन क्यों है वो. इसमें तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन ही ग्राफ है. ग्राफ ही हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में उन्होंने मेनी वन क्यों बोला है. देखो मान के चलो तुम्हारा एक्स वन है टू है थ्री है और ये जो लाइन है वो फाइव है. तो अगर x इज इक्वल टू वन तो ये क्या हो गया फाइव. अगर x इज इक्वल टू टू ये क्या हो गया फाइव. अगर x इज इक्वल टू थ्री ये क्या हो गया फाइव. मतलब x के कुछ भी वैल्यूज आने दो y का आंसर क्या होने वाला है फाइव ही होने वाला है. x के कुछ भी वैल्यूज आने दो y का आंसर क्या होने वाला है फाइव ही होने वाला है. है ना. सो देयरफॉर इट इज व्हाट मेनी वन एंड मेनी वन कैन बी द फंक्शन. व्हाई बिकॉज़ मल्टीपल प्री इमेजेस आर हैविंग वन इमेज. इट इज अलाउड. सो हॉरिजॉन्टल लाइन मेनी वन क्यों है कुछ डाउट है इसमें. अंडरस्टूड पक्का. बिकॉज़ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिविंग ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई व्हिच इज फाइव. मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स are giving one value of y which is what 5. Okay next vertical line. Bolo kya hoga ye सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स मान के चलो ये वैल्यू है तुम्हारा 4. अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज 4. तो वाई का वैल्यू 1 है तो भी एक्स का वैल्यू 4 है तो वाई का वैल्यू 1 आएगा. एक्स का वैल्यू 4 है तो वाई का वैल्यू 2 आएगा. एक्स का वैल्यू 4 है तो वाई का वैल्यू 3 आएगा.
है ना, तो मतलब सिंगल एक्स का वैल्यू जो है वो बहुत सारे वाई के वैल्यूज दे रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट, वन मीन, है ना। तो देखो अज्यूम करके देखो, ये फोर है, थ्री टू वन, क्या हो गया ये, वन मैनी, वन मैनी, है ना। एंड सिंस इट इज वन मैनी, इट इज व्हाट, नॉट ए फंक्शन, अंडरस्टूड, यस। तो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ में आई बात, वर्टिकल लाइन के केस में फंक्शन नहीं है, और क्रॉस लाइन के केस में क्या होता है पता है, देखो क्रॉस लाइन, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, एक्स का वैल्यू कुछ आया, वाई का वैल्यू कुछ आया, एक्स का वैल्यू कुछ आया, वाई का वैल्यू कुछ आया, एक्स का वैल्यू कुछ आया, वाई का वैल्यू कुछ आया, मतलब यूनिक वैल्यूज है, यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स विल गिव यू यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स विल गिव यू यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स विल गिव यू यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, लाइकवाइज, है ना। सो दैट मींस व्हाट, यस इट इज व्हाट, वन वन फंक्शन, इट इज व्हाट, वन वन फंक्शन, ओके। अब ध्यान दो, अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो वहां पे लिखा था वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल लाइन लिखा, जो वहां पे लिखा था हॉरिजॉन्टल लाइन तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, वहां पे लिखा था क्रॉस लाइन तो मैंने क्रॉस लाइन बनाया। अब इसके अलावा कोई और ग्राफ पिक्चर में आता है तो देखो ध्यान दो, ये सारे ग्राफ्स मैंने मॉड्यूल से ही उठाए हैं, मॉड्यूल के एक्चुअली मॉड्यूल में तो थ्योरी में तो नहीं है ग्राफ वाला सीन, मॉड्यूल के जो थ्योरी क्वेश्चंस है ना, मतलब थ्योरी पार्ट है ना कंटेंट क्वेश्चन आंसर से पहले, उसमें तो ये चीज है नहीं, ये मैंने क्वेश्चन आंसर से उठाए हैं, ठीक है, ओके। देखो ऐसा कुछ है, क्या समझ में आ रहा है, यस। देखो अभी हम लोग एक चीज बताती हूँ मैं, अगर मैंने यहां से एक एक्स का वैल्यू लिया कुछ तो भी टू लेट्स से, और इसी को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया, क्या समझ में आ रहा है, फॉर दिस एक्स इज इक्वल टू टू आई एम गेटिंग एक्स इज इक्वल टू वन लेट्स से एंड मे बी एक्स इज इक्वल टू फोर, क्या समझ में आया, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए मुझे वाई के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए मुझे वाई के दो दो वैल्यूज मिल रहे हैं, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ये हो गया वन मैनी, ये क्या हो गया, वन मैनी, तो नहीं चलता फिर ये, है ना। हाँ यहाँ पे मैनी वन का कंडीशन भी होता है, देख जैसे कि देखो यहाँ पे सपोज टू है तो ये डॉटेड लाइन मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पे एक्स का कुछ तो भी वैल्यू आएगा लेट से वन, और यहाँ पे एक्स का कुछ तो भी वैल्यू आएगा लेट से थ्री, तो प्रॉब्लम क्या है, ये मैनी वन भी है और वन मैनी भी है, तो वन मैनी नहीं चलता हमें, मैनी वन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैनी वन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वन मैनी नहीं चलेगा, मतलब यस, एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस नहीं चलेंगे, एक प्री इमेज के मल्टीपल प्री इमेजेस नहीं चलेंगे, बाकी सारे ऑब्जर्वेशंस में वो चाहे वो मैनी वन सेटिस्फाई करे वन वन सेटिस्फाई करे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक भी केस ऐसा मिला जहां पे मुझे वन मैनी वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ओके। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, एंड देयरफॉर उन्होंने रूल क्या बनाया है कि अगर तुम्हारे ग्राफ में तुम्हें वर्टिकल लाइन मिलती है, वर्टिकल लाइन कैसे मिलनी चाहिए, ये ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, वो पॉइंट्स को जॉइन करके अगर मुझे वर्टिकल लाइन मिल रही है तो इन दैट केस इट इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे देखो दो पॉइंट जॉइन करो, वर्टिकल लाइन मिल रही है, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल लाइन देन
you can't say that it is a function. Okay, so it is not a function. It is not a function. Yes, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज कंफर्म करो यार. पक्का एवरीवन? केजल, केजल बोल गया. अरे यार मैम ने फिर से मेरा नाम लिया. ओके ओके अब क्या है ना यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायग्राम है. बोलो फंक्शन है नहीं है? फंक्शन है या नहीं है? करेक्ट, फंक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपन को? वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है ना? इट इज फॉर्मिंग ए वर्टिकल लाइन, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन है या नहीं है? बोलो. करेक्ट. कैसे कैसे पता चला अपन को? यहां पे वर्टिकल लाइन बन रहा है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन. ओके, नेक्स्ट ग्राफ. जब उमेर अटेंड नहीं करता तब शशांक भी अटेंड नहीं करता शायद. हाँ, दोनों नहीं कर रहे अटेंड, और कल भी दोनों ने भी नहीं किया था अटेंड. फंक्शन है नहीं है? और अगर है तो कौन सा है? अगर फंक्शन है तो कौन सा है? लगा था चैप्टर खत्म हो जाएगा यार. वो वर्ड प्रॉब्लम्स ने बहुत टाइम लिया अपना, वर्ड प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत टाइम लगा. वन वन नो. संतोष ने सही आंसर दिया है. मैनी वन. परफेक्ट. देखो इतना तो सबको समझ में आया कि फंक्शन नहीं है. क्या बात है, बेस्ट, गुड, यू आर ऑन ट्रैक नाउ. कैसे पता चला फंक्शन नहीं है? क्योंकि मैं ग्राफ के ऊपर के कोई भी दो पॉइंट जॉइंट करूंगी तो मुझे वर्टिकल लाइन नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन मुझे दो पॉइंट जॉइंट करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है, दो पॉइंट जॉइंट करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या होता है? देखो, इट इज ए फंक्शन एंड इट इज मेनी वन, है ना? इट इज ए फंक्शन एंड व्हाट इज इट्स टाइप? मेनी वन. गेटिंग? यस, अंडरस्टूड. नेक्स्ट. अब ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा ग्राफ है, ऐसा नहीं चाहिए था वो. एक्चुअली वो ड्रॉ नहीं कर पाए अपन नोट्स में, इस वजह से वो वैसे दिख रहा है.
सो ये वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है। हाँ अगर सिर्फ इतना होता तो ये वन वन था, लेकिन मैंने ऐसे भी तो ड्रॉ किया है कुछ, इस वजह से वो वन वन नहीं है। अब नेक्स्ट बोलो। Not a function. Very good. It is not a function. Why? Because it is giving vertical line. है ना? ऐसे तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ऑल राइट ओके, समझ में आया यहां तक जो भी सीन था? आई होप समझ में आया है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते चलो क्वेश्चन आंसर्स। अब आएगा मजा। जो नवंबर बैच के बच्चे थे ना, उनको ये थ्योरी बहुत बोर होता था। कभी कभी पूरा टाइम थ्योरी चलता था प्रोबेबिलिटी चैप्टर में या फिर थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होते थे ना, तो उनमें रेस लगती थी कौन पहले आंसर देगा। ऐसे तुम्हारे यहाँ पे थोड़े से बच्चे कम होने के कारण थोड़ा वो रेस रेस वाला सीन नहीं बनता, बट यस मजा आता था तब। बट ठीक है, वो लोग अनफॉर्चुनेट है, उनका फेस टू फेस लेक्चर नहीं हो पाया। तुम लोगों के फेस टू फेस लेक्चर्स होंगे अभी। B and C, and उन्होंने पूछा है A minus C cross B is equal to what? कोशिश करोगे? चलो बताओ। Yes. Third question. A cross B, A and B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया? 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, ये हो गया A क्रॉस B। B क्रॉस C 4.5, 4.6, 5.5, 5.6। उन्होंने यूनियन पूछा है। यूनियन मतलब सबको मिक्स कर दो, है ना? दोनों का यूनियन बोला है, तो यूनियन मतलब सबको मिक्स कर दो। तो सबको मिक्स कर दो, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 4.5, 4.6, 5.5, 5.6। Okay, so this is what your union. You will get it. Next, fourth question. A is given to you, x, y, z. B is given to you, p, q, r, s. Which of the following relation on A to B? Find out करना है। Yes. A, B, D are functions. Okay. Yes, which are the functions? Option A,
तुम्हारे सामने रख देती हूँ, एन कॉमा पी एक्स कॉमा क्यू वाई कॉमा आर जेड कॉमा एस, बी ऑप्शन एक्स कॉमा एस वाई कॉमा एस जेड कॉमा एस, ओके सी ऑप्शन वाई कॉमा पी y comma q y comma r z comma s, d option x comma p y comma r z comma s. क्या बोला हमने? a to b. a to b मतलब सबसे पहले जो एलिमेंट्स होंगे वो a के ही होंगे, पहले पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होंगे वो a के होंगे. अभी मैं आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है एंड कौन सा नहीं है. तो फंक्शन है या नहीं है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अपन? यस, देखो पहले बात तो ये तो नहीं होगा, ये एन कहां से आया पता नहीं, ये तो नहीं होगा. फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन है? मेनी प्री इमेज, सॉरी एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस नहीं होने चाहिए. एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस नहीं होने चाहिए. तो यहां पर देखो ये प्री इमेज है, उसका पी भी इमेज है, उसका क्यू भी इमेज है, उसका आर भी इमेज है, तो नहीं चलेगा. एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. वाई का इमेज पी भी है, वाई का इमेज क्यू भी है, वाई का इमेज आर भी है, तो एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, तो सी ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा. ओके यहाँ पे एक प्री इमेज के मल्टीपल इमेजेस है क्या? नहीं, एक्स का इमेज एस ही है और कोई नहीं है, y का इमेज s ही है और कोई नहीं है, z का इमेज s ही है और कोई नहीं है, तो ये फंक्शन होगा. यहाँ पे चेक करते हैं, x का इमेज p है और कोई है क्या? नहीं. y का इमेज r है और कोई है क्या? नहीं है. z का इमेज s है और कोई है क्या? नहीं है, तो ये भी फंक्शन होगा. ओके ये भी फंक्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू 4 है क्या ये फंक्शन? इज इट ए फंक्शन? यस. बोलो जल्दी, इज दैट ए फंक्शन? नहीं होगा फंक्शन ये, है ना? इट इज नॉट ए फंक्शन. सो दिस इज 4, इसके बहुत सारे इमेजेस होंगे, तो नॉट पॉसिबल, है ना? नॉट पॉसिबल. ऑल राइट, ओके नेक्स्ट. एक प्री इमेजेस को मेनी इमेजेस थे, चलो ये भी कर लिया यार अपन ने, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 भी अपन ने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो, ये भी एक्चुअली हो चुका है बट ठीक है, चलो बताओ जल्दी. एफ इज मैप्ड ए टू बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू -1 1, -2 2, b is equal to 1 4 9 16. चलो बताओ जल्दी. मेनी वन, ओके. -1 का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? सिर्फ 1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, है ना? -2 का स्क्वायर क्या हो सकता है? 4
फोर हो सकता है और टू का स्क्वायर भी फोर होगा, तो क्या हो गया, मेनी इमेजेस वन इमेज, मेनी इमेजेस वन इमेज, क्या हो गया, मेनी वन, मेनी वन. ओके डन, ऑल राइट. ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब क्वेश्चन नंबर एट, एफ सच दैट जेड इज मैप्ड ऑन जेड, जेड मतलब इंटीजर्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जेड. चलो बताओ ये क्या होगा, टेल मी फास्ट. एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, जेड के जगह पे अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो. ओके जेड के जगह पे अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, तुम लोगों को सिंगल वैल्यू ऑफ एफ मिलेगा, तुम लोगों को सिंगल वैल्यू ऑफ एफ मिलेगा है ना. जैसे कि एक्स इज इक्वल टू वन लिया मैंने, एफ एक्स क्या होगा, वन स्क्वायर प्लस वन होगा विच इज टू. एक्स इज इक्वल टू माइनस वन लिया, देखो जब भी चेक करते हो ना तब हमेशा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू एंड जीरो. ओके नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू एंड जीरो, इनको चेक करना जरूरी है. तो मैं उसको नेगेटिव वैल्यू को भी चेक करके देखती हूँ, क्या हो जाएगा, जीरो आएगा है ना. उसके बाद यहाँ पे जीरो लेके देखो, जीरो आया, क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, व्हाट हैपेंड, टू वैल्यूज ऑफ एक्स आर गिविंग मी वन वैल्यू ऑफ वाई, इट इज व्हाट, मेनी वन. ओके मेनी वन, अंडरस्टूड. Done. So x is equal to 1 square plus 1 it is 2. ठीक है, x की जगह पे minus 1 रखा, minus 1 square plus minus 1 it is 0. x is equal to 0 रखा, 0 square plus 0 is what, 0. क्या मिला, दो दो values of x के लिए मुझे एक ही value of y मिला, तो इसलिए फंसना नहीं है, बिल्कुल भी फंसना नहीं है, it is what, many 1. Okay, so इसका answer होगा many 1. Remember this thing. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डब्ल्यू जेड, वाई इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, एच इज इक्वल टू एक्स कॉमा 1, वाई कॉमा 2, वाई कॉमा 3, जेड कॉमा 4. चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन क्या है, h इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, h इज फंक्शन फ्रॉम x टू y, है क्या वैसा, सही बात है,
यहां से जो वैल्यूज आ रहे हैं वो पहले प्लेसेस पे है, ऑब्वियसली इट इज एक्स टू वाई फंक्शन है ना, एक्स टू वाई है वो. यस, तो एक्स टू वाई तो फाइनल है, मतलब सी ऑप्शन तो नहीं आएगा. सी ऑप्शन में उन्होंने वाई टू एक्स बोला है, तो सी ऑप्शन डेफिनेटली इज नॉट योर आंसर. एंड अबाउट ए एंड बी, ए में उन्होंने दिया है इट इज ए फंक्शन, बी में उन्होंने दिया है इट इज नॉट ए फंक्शन. तो पहले आइडेंटिफाई करते फंक्शन है या नहीं है. एक्स प्री इमेज है, उसका वन इमेज है, और एक्स का फोर भी इमेज है, एक्स का फोर भी इमेज है. तो एक्स को दो दो इमेजेस हो गए ना, एक हो गया वन, एक हो गया फोर, तो नहीं चलेगा फिर. एक प्री इमेज को मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकते. ओके, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन. अंडरस्टूड और नॉट, समझ में आया या नहीं आया. सो विच ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन इज द आंसर. नेक्स्ट, डोमेन ऑफ 3.8, 5.11, बताओ. Yes, बोलो जल्दी. X के values मतलब क्या हो गया, डोमेन. X के values मतलब क्या होता है तुम्हारा, डोमेन. को डोमेन एक डोमेन, कंफ्यूज मत होना. बिल्कुल भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कोडो में. रेंज, रेंज, रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन में रेंज पूछा है. रेंज ऑफ 3.-1, 2.-1, 0.-1, 1.2. चलो बताओ. रेंज मतलब क्या होता है, वाई के वैल्यूज है ना. रेंज मतलब क्या होता है, वाई के वैल्यूज. तो कौन सा है फिर वाई के वैल्यूज, यहाँ पे बोलो. ऑल राइट, तीन तीन बार माइनस वन नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है. ओके, ये हो गया रेंज. क्वेश्चन नंबर 17 देखो. संतोष को शायद से ये नहीं मिला होगा, नोट्स नहीं मिले होंगे. पीडीएफ भेजती हूँ मैं फिर से एक बार. मुझे मुझे व्हाट्सएप पे हाय बोल देना, मतलब पिंक कर देना व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें ये भेज देती हूँ, पीडीएफ भेजती हूँ, और बाद में सर से फिर नॉर्मल नोट्स कलेक्ट कर लेना. ठीक है. पी इज व्हाट, 1, 2, 3. एंड उन्होंने बोला है पी क्रॉस क्यू हैज 12 एलिमेंट्स. सो क्यू क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द क्यू. ए ऑप्शन है,
3.4, बी ऑप्शन है 2.3.9, सी ऑप्शन है 5.8.7.9, तुम लोग बता सकते हो, डी ऑप्शन है 3. मैंने क्या बोला था, जब तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करते हो तो इसमें 12 एलिमेंट्स है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कार्डिनलिटी इनटू क्यू का कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पी में कितने एलिमेंट्स है 3, तो क्यू में कितने होने चाहिए 4. तो मुझे ऐसा सेट चाहिए जिसमें 4 एलिमेंट्स हो, तो ये मिल गया मुझे. पी में कितने एलिमेंट्स है 3, क्यू में कितने चाहिए 4 चाहिए, सो दैट पी क्रॉस क्यू जो है वो मुझे क्या मिलेगा 12 मिलेगा. ओके डन, सो दिस इज योर सी ऑप्शन. ऑल राइट, ओके सो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. ओके चैप्टर खत्म तो होना चाहिए था, वो अपना वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत टाइम गया तो और लगेगा, टाइम लगेगा इसको खत्म करने के लिए. ठीक है चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ. डाउट में बताती हूँ केजल, तुम्हें पर्सनल पे बताती हूँ मैं, चलेगा ना, स्क्रीनशॉट भेजा है ना तुमने, एक मिनट देख ही लेते हैं अपन. ओके तो n इज नेचुरल नंबर्स एंड i इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. हाँ तो तुम्हारा डाउट क्या था, मतलब एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या था, मुझे नहीं समझ में आया. अच्छा ओके अनम्यूट करती हूँ तुम्हें, चलेगा चलेगा. ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ बोलो. बोलो 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 केजल बोलो, तुम उठे अभी. नहीं तुझे अनम्यूट करना पड़ेगा, अभी तुझे अनम्यूट करना पड़ेगा खुद से. ओके आई हैव गिवन यू द एक्सेस, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. मुझे यहां पे तो दिखाई दे रहा है अनम्यूट का ऑप्शन, तुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा. अच्छा ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, कॉल कर लेना अभी फिर. ठीक है कॉल कर लेना अभी फिर तुरंत, विल स्टॉप हियर नाउ. ठीक है.